हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तारीख 30 जून है, दिन बुधवार का। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और 7:15 बजे सब बच्चे अच्छे सब जग चुके हैं, आरुष को छोड़कर। आरुष अभी नई जगह है, वो तो लेट ही उठता है। नंदिनी सबसे पहले उठ जाती है। अभी जो है कुछ लोग आलस उतार रहे, कुछ इधर उधर लेट वेट के जो है थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं। तो नंदिनी आ गई है बाहर और ये खेल रही है फूल पौधों के साथ में। आज आरुषि इसकी रखवाल में है सेफ्टी के तौर पे, और इसकी बॉडीगार्ड बनी हुई है आरुषि। घुटनों के बल और हाथ के बल चलने लगी है ये अभी। मक्खन की अदला बदली और कटोरे पर कटोरे भरे जा रहे हैं मक्खन के। ये कटोरा खाली कर दिया और दूसरे कटोरे में भर दिया है। डोंगे कटोरे क्या हैं ये, हम तो यही कहते हैं ना, ये है कटोरा। इसमें अब ताजा मक्खन निकालूंगी और जो एक कल वाला है ये इसमें स्टोर कर दिया, इसे फ्रिज में रख दूंगी, तो इसलिए ये खाली किया जा रहा है। मक्खन की जो भी बचत होती है, खा पी के जो बचता है, खा पी के बचने के बाद इसे जो है इकट्ठा करा जाता है स्टोर। आज का जो है ताजा भी निकलने वाला है। कटोरा इसलिए खाली करा गया है वो, कि उस कटोरे में नया ताजा मक्खन हो। और एक सत्य ये भी है कि जो गाय का दूध होता है उससे मक्खन कम निकलता है, और भैंस के दूध से, मतलब भैंस वाले दूध की दही से मक्खन ज्यादा निकलता है। तो मेरे सवेर भले दो, लेकिन मक्खन का छागा दही का काम तो चला ही रही। कहने का मतलब ये है जी, जिसे केवल दूध पीना हो वो तो गाय पालो, और जिसे मक्खन घी खाना हो वो पालो भैंस। नंदनी आज किलसरी बहुत, इसके लिए टीवी भी चला दिया। पता नहीं सभी फोन चाहिए क्या? हाँ, फोन चाहिए क्या तुझे? बता क्या देखेगी? कार्टून और गेम खेल लेगी? बता दे जल्दी। कुछ नहीं। अरे नहीं, ऐसे नहीं रोना, बताना तो पड़ेगा। अरे बताओ तो भाई। हाँ बताओ जल्दी। अच्छा गोद में आना, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे तो गोद में आना भाई। अरे ठीक है भाई, क्या बात होगी, तो ऐसी क्या बात होगी फिर। और उसी बिल्कुल तैयार है टीवी देखने के लिए, रिमोट अपने हाथ में है, और जिस बच्चे के कब्जे में रिमोट रहता है समझो उसी का होल्ड रहता है टीवी पे। और आज सुबह सुबह इसने कब्जा लिया और उसी ने। चिंकी क्या देखना? रिमोट तो इनके हाथ में है, मैंने तो बस बैठी चलाने के लिए। क्या चलाना? अरे जो कार्टून ये देखेगी ना, वो मुझे भी देखना है। जो कार्टून देखने है? देखो ये मोगली नहीं चला रही। क्या नहीं चला रही? मोगली। मोगली। और जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और यहाँ पर इतिहास बदला जा रहा है, मतलब खाने की तैयारी हो रही है। अब तो धूप निकलते ही सुबह को तो मन कर रहा है सो जाओ, जब थोड़ी सी ठंडक हुआ है 4-5 बजे के करीब से। अब धूप निकलते ऐसा हो रहा कि काम कितनी देर में निपटेगा, भागो। पतीली में बनेगी लौकी चना या घिया चना, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से, क्योंकि लौकी और घिया एक ही सब्जी के नाम है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और बस मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए, पर ऐसा कौन होगा जो नहीं जानता होगा। चलो खैर, कई शब्द हैं वापस लेने पड़ते हैं, उल्टा ले रहा जी मैंने। अभी हमारा कुकर बिजी है, नहीं तो मैं कुकर में बनाती, लेकिन पतीली का टेस्ट पतीली की सब्जी का ही होता है। कुकर में बनाई है मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी, यानी कि भेदड़ी। माता जी का आदेश है कि आज मेरे लिए मूंग की दाल खिचड़ी बनाई जाए, तो बना कर रख दी है। और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी। मूंग की दाल की खिचड़ी किस लिए, क्या दिक्कत है माँ? माँ बोल रही कि आज मतलब मन अजीब सा हो रहा, उल्टी सी लगने को हो रही, गैस वैस बननी होगी तो ये हल्का फुल्का खाना सही रहेगा गर्मी में। है वैसे तो, लेकिन उनका पर्व है कि पतली सी खानी है, रोटी नहीं खानी आज उन्हें। अच्छा, आज रोटी की नांगा कर दी माँ ने, और उसके आवाज़ में मूंग की दाल की खिचड़ी खाएगी। और कोई भी खा सकता है जब बनता है तो, काफ़ी सारा बनाना पड़ता है क्योंकि पता कुछ नहीं किसका मन कर जाए खिचड़ी खाने का। गर्मी है, हल्का सा भोजन। और दही के साथ में तो अच्छी लगती है ना, मक्खन या दही हो अच्छी लगती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह से ही कपड़े जब से ना। और आप भी कहोगे कई दिनों से हम गर्मी गर्मी चिल्ला रहे हैं,
तो क्या करें भाई, जब ओवर रेट हो जाती है कोई चीज़ तो करना पड़ता है। देखिए हम कई दिनों से ज़्यादा होती है तो सर्दी में कहते हैं सर्दी ज़्यादा है, लेकिन गर्मी में बुरा हाल है। सर्दी में इतना बुरा हाल नहीं रहता जितना गर्मी में है। तो जी हम कई दिनों से आपको कह रहे हैं गर्मी गर्मी चिल्ला रहे हैं खूब गला फाड़ फाड़ के गर्मी, लेकिन ये तो अपने हिसाब से चलेगी, ये गड्डी तो नू ही चलेगी गर्मी वाली। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। जब से नहाए थे ना कपड़े पहने थे तब से कपड़े जो है ऐसे हो रहे हैं जैसे पानी में। ए लो जी लौकी चना, चने की दाल और लौकी, इतना सा ही प्रोग्राम था आज सब्जी का। बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है ये भी। जल्दी क्या, भिगो के रखनी पड़ती है दाल तो फिर वही देर हो जाती है। पहले क्या क्या डाला आज तो ये भी नहीं बताया। बस वही है जो रोज डला है, हल्दी नून मिर्च, बस इतना ही ताम जाम था आज। यहाँ जी चूल्हे में रोटी अंदर सेकनी पड़ेगी, यहाँ भी दो, आज नाश्ता भी यही बना है सुबह। लौकी तैयार है, अब बन जाएगी। और जब तक ये लौकी बनेगी तब तक मुझे करने हैं बर्तन साफ, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, थोड़े से नाश्ते के भी हैं। और चाचा जी खेत से आए थे, उन्होंने खाना खाया और बच्चों ने लेट नाश्ता किया था, हमने पहले कर लिया था। चलो जी गुड्डू तो कर रही है अपनी क्लास, अब मोबाइल का मुंह इसकी तरफ को है, पता नहीं क्लास कर रही है कुछ सीरियल देख रही है या क्या कार्टून। क्या कर रही है गुड्डू? अपना होमवर्क कर रही है। मैं होमवर्क मिल गया सुबह आज ही। अच्छा क्लास भी थी आज? हाँ क्लास होगी अब फिर है 10 बजे। और फिर उसके बाद 10 बजे के बाद 10:30 तक क्लास चलेगी, फिर उसके बाद फिर मैं काम करने लग जाऊंगी। एक बार में तो होने का नहीं, बहुत सारा मिल गया। फिर 11 बजे फिर क्लास चलेगी, आधे घंटे का रेस्ट लेगा। और सुबह कितने बजे स्टार्ट हो गई थी क्लास? 8:30। 8:30 पे हुई थी। 8 बजे में बैठ गई थी अपना सेट। चलो जी ये तो हुआ गुड्डू के रिगार्डिंग, जो भी सुबह से इसका शेड्यूल चल रहा है जो भी है। हाँ तो अब पूछ लेते हैं चिंकी के बारे में, क्योंकि गुड्डू का शेड्यूल सुबह से पढ़ाई का चल रहा, तो उससे तो पूछा उसकी पढ़ाई के बारे में, और चिंकी सुबह से सीरियल में घुसी हुई है टीवी में, तो इससे सीरियल के बारे में पूछा जाएगा। पढ़ने बैठ गई थी? ओए गजब, मौसम खराब हो सकता है। हैं? हाँ जी पढ़ने। क्या पढ़ना शुरू करा था? मैंने मैथ्स। मैथ्स पढ़ना शुरू करा था, कौन पढ़ा रहा था? चाचा जी। अच्छा उठाओ कहार चूल्हा लिपण की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहार चूल्हा लिपणे की रुत आई। सुबह के 11 बज गए, दोपहर होने में कुछ ही कसर बाकी है, और मैडम ने ठिकाना देखो कहाँ टोया आज, लाली और जुमिया के पास पेड़ की छांव है वहाँ, और थोड़ी सी हवा भी वहाँ फालतू लगे है यहाँ के मुकाबले आंगन के। तो चलो जी देखते हैं आज क्या मकसद है मैडम का, और ऐसी क्या बात हुई जो यहाँ से इतनी दूर ठिकाना ढूंढा। क्या बात है, यहाँ बहुत बढ़िया हवा लग रही क्या? प्रीति नु कह रही सिस्टम के नीचे बहुत बढ़िया हवा लग रही, बैठ के देखो जरा सी देर पसीना सूख जाएगा 5 मिनट में, मगर देखूँ बैठ के मैं भी। तो हाँ यहाँ वाकई जो है वहाँ से ना, वहाँ से जो घर का ये आंगन है वहाँ तो दीवारों की ओट है चारों तरफ से, और यहाँ उतनी है नहीं, तो यहाँ से जो है हवा थोड़ी सी बत्ती लग रही, और पेड़ के नीचे शीशम का पेड़ है इस टाइम, इसकी यहाँ छाया है, और इस पेड़ की छाँव में पहला हक है लाली का, और काली काली पे थोड़ी सी धूप आने वाली है, तो इसे चेंज कर दिया जाएगा, उधर बांध दी जाएगी। या मेरे बैठने का इतना फायदा उठा रही, इसने मेरे हाथ में भी कंटे ही चुबा दिया अपनी जीभ के। लाड प्यार चल रहा है इसका। अरे इसे पिला दी मट्ठा रोटी डाल के खिला दिया इसका खाना इसे। अच्छा फिर भी आदत है ना इसकी, इसे बचपन में ये अंगूठा क्या चुसा दिया तो इसे भूल नहीं अब तक भी। ये अंगूठा याद है उसके, जब ये पैदा हुई थी यही सबसे पहले चूसा था इसने अंगूठा, दूध पीना सीखा था इससे, तो इसे भूल नहीं पहचान ले गई। लाड़ में प्यार प्यार देखो कितना प्यार करती है लाली।
तो जी फिलहाल 12 बज गए और भूख का टाइम भी हो रहा है, खाना लग गया है। यह है थाली, मूंग की दाल की खिचड़ी है, दही है, रोटी है, मट्ठा, छाछ, लस्सी जो भी आप बोलते हैं, और घिया चना। यह है सब्जी, और ये मेरा अकेले का नहीं है, कभी ये देख के कहो कि भाई इतना सारा खावे क्या। तीन जनों का, ये दो भी खा सकते हैं और तीन जने भी खा सकते हैं। तो जी खिचड़ी मूंग की दाल की है और इसमें मक्खन भी है। बनी तो ये माँ के लिए थी, माँ की जो थी आज ख्वाहिश ये थी कि मूंग की दाल की खिचड़ी खानी है, तो जी कोई भी खा सकता है, उसमें क्या है। और अब ये मेरे सामने है और अब हम इसे सूंत के रख देंगे क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। खाना हल्का ही है, ज़्यादा भारी नहीं है, और सूता सूता ही चलेगी बस अब, और फिर करेंगे अगले काम। घिया चना भी बढ़िया लग रही देखो, और ये हमारी ताज़ी लस्सी, दो रोटी, दही और खिचड़ी। और जी घिया चना और रोटी खाओ और प्रभु का गंगाओ, बस यही है और क्या है। तो जी आओ जी, ले लो राम का नाम, और क्या है।